1927 में आज ही दिन काकोरी कांड को अंजाम देने वाले देश के तीन वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन लूटने का दोषी ठहराते हुए अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम की एक स्वर्णिम घटनाओं में से एक है। रामप्रसाद बिस्मिल सहित करीब 8 क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटने की योजना बनाई थी। काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी, बिस्मिल ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, जिन्होंने ट्रेन के इंजन और उसके ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। क्रांतिकारियों ने ट्रेन से 8,000 रुपए की चोरी की थी। इस घटना के बाद इससे संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लिहाड़ी को फांसी की सजा दे दी गई। 1934 में आज ही के दिन देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा, क्योंकि देश की आजादी के 60 वर्ष बाद एक महिला को प्रथम बार एक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और साल 2007 से लेकर 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी रही। प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी रही हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह 2004 से लेकर 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल भी रही। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने मौत की सजा पाए 35 लोगों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1961 में आज ही दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव में प्रवेश करके इन इलाकों को पुर्तगाली आधिपत्य से आजाद कराया था। गोवन, दमन और दीव पर 450 साल के पुर्तगालियों के शासन को खत्म किया था। महज 40 घंटे की लड़ाई के बाद गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। दरअसल ब्रिटिश और फ्रांस के सभी औपनिवेशिक अधिकारों के खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। भारत सरकार की बार बार बातचीत की मांग को पुर्तगाली ठुकरा रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत सेना की टुकड़ी भेजी। 40 घंटे चले युद्ध के बाद गोवा, दमन और द्वीप को सुरक्षित आजाद करा लिया गया और उनको भारत का अंग घोषित कर दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 1984 में आज ही के दिन ब्रिटेन और चीन के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ था कि ब्रितानी उपनिवेश हांगकांग साल 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीन में उनके समकक्ष जाओ जियांग ने साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस बात पर फैसला हुआ कि 13 सालों के बाद हांगकांग चीन के अधीन होगा। इस संधि के मुताबिक साल 1997 में हांगकांग में ब्रिटेन के 155 सालों का शासन समाप्त हो जाना था। नई संधि के बाद दोनों देशों में व्यापार और राजनयिक क्षेत्र में नए संबंधों की शुरुआत भी हुई। इस संधि के तहत हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया जाना था। चीन ने इस बात का आश्वासन दिया कि हांगकांग में पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी। संधि में यह भी कहा गया कि हांगकांग में लोगों को जिस तरह के अधिकार प्राप्त थे, वो चीनी प्रशासन के शुरू होने के बाद भी कायम रहेंगे। ब्रिटेन को इस बात की गारंटी दी गई कि विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर ब्रिटेन की पुराने उपनिवेश में स्वायत्तता बरकरार रहेगी। और 2003 में आज ही के दिन लीबिया ने अचानक घोषणा कर दी कि वो अपने विनाशकारी हथियारों को नष्ट करेगा। लीबिया के तत्कालीन नेता मुअम्मर गद्दाफी ने यह भी कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को भी वहां आकर मुआयना करने की इजाजत देने को तैयार हैं। अमेरिका ने लीबिया को ऐसे देशों की श्रेणी में रखा था जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन गद्दाफी ने ऐलान किया कि लीबिया अपने सभी विनाशकारी हथियारों को नष्ट कर देगा और अपनी मिसाइलों की क्षमता को 300 किलोमीटर तक सीमित करेगा। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने लीबिया की घोषणा का स्वागत किया था, जिसके बाद जॉर्ज बुश ने लीबिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को भी समाप्त करने की तरफ इशारा भी किया था।